दोस्तों सुप्रभातम, नमस्कार। एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल यात्री द ट्रैवलर पर, और मैं हूं आपका अपना अवनाश त्रिपाठी। इस वक्त हम हैं गोकर्ण रोड स्टेशन, है ये कर्नाटक में है। तो यहाँ ट्रेन खड़ी हुई है, ये ट्रेन क्रॉस कर रही है त्रिवेंद्रम निज़ामुद्दीन सुपरफास्ट एक्सप्रेस का। आज ये दूसरा दिन है, पहला पार्ट आपको अच्छा लगा होगा, वो जर्नी आपको अच्छी लगी होगी आई एम श्योर। तो इस वीडियो में अंत तक बने रहिए, इस जर्नी को एंजॉय कीजिए। गोकर्ण जो है वो कर्नाटक में है और एक बहुत ही सुंदर जगह है, एक टूरिस्ट प्लेस है और यहाँ पर बहुत सारे बीचेस हैं। हम इस वक्त कोंकण रेलवे जोन में हैं दोस्तों, और ये जोन प्रकृति के खूबसूरत नज़ारों से भरपूर है। समुद्र के किनारे बसा कर्नाटक का ये शहर कारवार, दोस्तों एक बार फिर से बता दूं, हम लोग कोंकण रेलवे जोन में हैं और ये है कारवार रेलवे स्टेशन के पास काली नदी। गोवा स्टेट से होकर के गुजर रही है और गोवा का स्टेशन भी आएगा मडगांव। ये काणकोण स्टेशन है दोस्तों, गोवा के अंदर है, कोंकण रेलवे जोन के तहत आता है। यहाँ ट्रेन कुछ देर के लिए खड़ी हुई थी और यहाँ मैंने कोच के अंदर दारू बिकते हुए देखी दोस्तों, कोई दारू बेच रहा है और ओपनली दारू दारू कह कर के।
कोंकण रेलवे रूट पर टनल्स बहुत हैं, कुल 92 टनल्स हैं और कुछ तो बहुत लंबी लंबी हैं, 2-2 किलोमीटर से भी ज़्यादा लंबी हैं। और जो सबसे लंबी टनल है वो शायद 6.5 किलोमीटर लंबी है। दोस्तों हम पहुंच गए हैं मडगांव और करीबन 50 मिनट पहले पहुंच गए हैं। यहां सुबह 9:15 पहुंचने का टाइम है और अभी 8:25 हो रहा है। करीबन 1 घंटा अब ये यहीं खड़ी रहेगी। लगभग हर स्टेशन पर डेवलपमेंटल वर्क हो रहा है, अच्छी खासी तरक्की हो रही है देश में, जोरों शोरों से विकास कार्य हो रहे हैं। गोवा के मडगांव रेलवे स्टेशन से रवानगी 1 घंटे से ज़्यादा खड़ी हो गई ट्रेन, यहाँ बिफोर टाइम आ गई थी 50 मिनट, 10 मिनट का ऑफिशियल स्टॉपेज है ही और अब लगभग 10 मिनट देरी से ही यहाँ से रवाना।
करमाली स्टेशन है, खूबसूरत सुंदर स्टेशन है, छोटा स्टेशन है, बिल्कुल नीट एंड क्लीन, कहीं गंदगी तो नज़र ही नहीं आ रही। पता नहीं लोग भी आते हैं या नहीं आते हैं इधर। सिग्नल हो गया है, चलते हैं अपनी ट्रेन में। आए क्या भागे सब लोग, देखिए ट्रेन से कितने लोग उतर गए थे, जैसे ही ट्रेन ने हॉर्न दिया सब लोग दौड़ पड़े। चलिए साथ चल पड़ी है ट्रेन। खाली खाली सी ट्रेन है, उतने ही लोग, जितनी सीटें जितनी बर्थ, बिना बात की भीड़ नहीं है, लोग टाइम पास कर रहे हैं कार्ड्स खेल करके। रत्नागिरी आप जानते ही हैं, हापुस के लिए रत्नागिरी के आम। दोस्तों रत्नागिरी लोकमान्य तिलक का जन्म स्थान और वीर सावरकर की कर्म भूमि रही है। कोंकण रेलवे जोन में एक डिविजनल हेडक्वार्टर है रत्नागिरी, और स्टेशन जो है वो मेन सिटी से करीब 7 किलोमीटर दूर है। रत्नागिरी से ट्रेन रवाना। महाराष्ट्र का एक मेजर टाउन है, यहाँ के आम, हापुस आम आपने सुना ही होगा, बहुत मशहूर हैं, बड़े टेस्टी डिलीशियस। चिपलून
चिपलून के बाद सीधे मुंबई के पनवेल रुकती है, नवी मुंबई के। कोंकण रेलवे का ये इस ट्रेन का इस रूट पर ही आखिरी स्टॉपेज है। हेलो वड़ा पावली, चिपलून, बाय बाय चिपलून। कोंकण रेलवे का इस रूट का इस स्टॉपेज के हिसाब से आखिरी स्टेशन। अभी और भी हैं, रोहतक कोंकण रेलवे ही है। रोहा, कोंकण रेलवे की सेवा समाप्त होती है और वेस्टर्न रेलवे की सेवा शुरू होती है। पनवेल, मुंबई में एंट्री हो चुकी है हमारी। राइट टाइम, पनवेल दोस्तों एक जंक्शन स्टेशन है और मुंबई सबर्बन रेलवे नेटवर्क की हार्बर और सेंट्रल लाइंस पर है पनवेल जंक्शन। हार्बर लाइन के अलावा एक रोहा वसई रोड लाइन, यानी एक तरफ जिस तरफ से हम आए हैं और एक तरफ हम जा रहे हैं वसई रोड की तरफ, एक पनवेल करजत लाइन और एक लाइन JLN पोर्ट ट्रस्ट को जाती है। वसई रोड, मुंबई के वसई रोड स्टेशन पहुंच चुकी है ट्रेन। लगभग 10 मिनट की देरी है, कोई खास नहीं। वेस्टर्न और सेंट्रल रेलवे का जंक्शन स्टेशन है वसई रोड। ये एक मेजर स्टेशन है जो मुंबई को बाईपास करता है और सूरत की तरफ से आने वाली गाड़ियों को कोंकण रेलवे और पुणे की तरफ कनेक्टिविटी देता है। बहुत खतरा होता भाई दिल्ली की तरफ। दोस्तों हम पहुंच चुके हैं, डायमंड सिटी कहिए, टेक्सटाइल सिटी कहिए, गुजरात की शान कहिए, सूरत गुजरात का जनसंख्या के हिसाब से दूसरा सबसे बड़ा शहर है सूरत। दोस्तों बस आज की वीडियो में यहीं तक।
आपको ये वीडियो कैसी लगी प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताएं, शेयर करें, लाइक करें। मिलते हैं अगले व्लॉग में दोस्तों, तब तक के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद और प्रभु आशीर्वाद।